अमेठी का जिम्मेदार नागरिक होने के नाते मैंने राहुल गांधी जी को पत्र लिखा है, जिसमें उनको आमंत्रित किया है कि वो आएं और देखें कि किस तरीके से चुनाव में हारने के बाद भी दीदी स्मृति ईरानी जी अमेठी के युवाओं को रोजगार देने के लिए, उनके हाथों को मजबूत करने के लिए, उनके परिवारों की दुश्वारियों को दूर करने के लिए किस तरीके से प्रयासरत हैं। जो कि हमारे सांसद माननीय राहुल गांधी जी पिछले 15 वर्षों से यहां से सांसद हैं और वह आज तक एक भी रोजगार मेला या किसी को रोजगार दिलाने की बात नहीं कर पाए या ना दिला पाए। आपसे मैं ये पूछना चाहता हूं, 4.5 साल हो गए भाजपा सरकार को, माननीय नरेंद्र मोदी जी को प्रधानमंत्री बने हुए, क्या वो जो 2 करोड़ नौकरियों का वादा किए थे उस पर पूर्ण हुए? क्या वो 15 लाख रुपए जो देने की बात कहे थे वो पूर्ण हुए? ये सब जुमलेबाजी है, हवा हवाई है, इनकी असलियत सब जनता जान गई है। सिर्फ ये जो 3 राज्यों के चुनाव हैं, 20 तारीख को छत्तीसगढ़ में जो ना वोटिंग पड़नी है, उसी को जो है डाइवर्ट करने के लिए सिर्फ स्मृति ईरानी सिर्फ अमेठी में आके सिर्फ ढोंग कर रही है।